हे गाइस, क्या आप भी चाहते हैं कि आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकें? अगर आपके पास पीसी, लैपटॉप या फिर किसी भी प्रकार का कंप्यूटर नहीं है तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको हम बिटकॉइन माइनिंग करना सिखाएंगे, वो भी आपके स्मार्टफोन के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही आसानी से आपके स्मार्टफोन के थ्रू। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपकी माइनिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली से यूज़ करना होगा प्ले स्टोर को, वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये माइनिंग जो है यहां पर एक एप्लीकेशन के माध्यम से ही होने वाली है, जिसका नाम है क्रिप्टो टैब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्रिप्टो टैब ब्राउजर को आपको ओपन करना है, जो कि लाइट वर्जन का होगा, क्योंकि अगर आप प्रो वर्जन का लेते हैं तो वहां से आपको कुछ फीस चार्ज करता है। बट मैं अभी यही कहूंगा कि आप लाइट वर्जन यूज करिए और कुछ अर्न करने के बाद प्रो वर्जन पर स्विच करिए। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने लिख के आ रहा होगा क्रिप्टो टैब। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं इसका इंटरफेस किस तरीके से होने वाला है। यहां पर देखिए, ऊपर आपको क्रिप्टो टैब ब्राउजर का इंटरफेस मिल जाएगा। बट दोस्तों अभी आपको एक और परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये एप्लीकेशन थोड़ा विदेश का है, यानी कि इंडियन नहीं है, तो आपको VPN यूज़ करना होता है, क्योंकि अभी इंडिया में माइनिंग का कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप आसानी से माइनिंग कर सकते हैं किसी भी करेंसी का। तो यहाँ पर आपको उसी कंपनी का एक VPN डाउनलोड करना होता है, जिसका नाम है दोस्तों CTVPN, जो कि काफ़ी आसानी से आपको 10 से 15 MB के बीच में आपके डिवाइस कैपेबिलिटी के हिसाब से मिल जाता है। अब आपको उसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है, और वहां पर आपको दिखाई देगा काफी सारे कंट्री का VPN। तो आपको कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है। बट दोस्तों नीचे की तरफ आपको चले आना है, क्रिप्टो ब्राउजर लाइट पर आपको एनेबल कर देना है, क्योंकि ये एडवांस मांगता है कि आप किस ब्राउजर या फिर किस एप्लीकेशन को VPN देना चाहते हैं। आफ्टर द कनेक्टिंग, आप जब कनेक्ट कर लेते हैं ये सब सारी चीजें, तो उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहां पर आपको मैं ब्राउजर ओपन करके दिखा दे रहा हूं। फिलहाल तो मेरा एक ब्राउजर चल रहा है इस स्मार्टफोन के अंदर, तो मैं आपको पैरेलल स्पेस में एक ब्राउजर का आईडी बनाकर आपको दिखा दे रहा हूं किस तरीके से आप इसकी आईडी बनाते हैं और किस तरीके से इसमें आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फिलहाल दोस्तों मेरे पास 223 सतोशी है, जो कि यूनिट है बिटकॉइन की। जैसे कि आपको पता होगा 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरीके से एक बिटकॉइन के अंदर काफ़ी सारे सतोशी होते हैं। तो आप धीरे धीरे सतोशी अर्न करते जाएंगे और उसकी वैल्यू धीरे धीरे पॉइंट्स कुछ पॉइंट के बिटकॉइन में हो जाएगी, और वहां से आप पैसों को अर्न कर पाएंगे और विड्रॉल कर पाएंगे। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि इसके लिए मैं वीडियो बनाऊं कि आप किस तरीके से इनको विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या फिर कहीं भी, तो आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप अपने इन बिटकॉइंस को ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका ब्राउजर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, और दोस्तों पूरे ब्राउजर को स्टार्ट एक बार हो जाने देना है, क्योंकि पहली बार अगर आप ओपन करते हैं तो ये काफ़ी सारे डेटा को कलेक्ट करता है कि आपके फोन के बारे में। ये किसी को देता नहीं है, बस कलेक्ट करता है अपने नॉलेज के लिए। उसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको सी, यानी कि एक छोटा सा सी देख के मिलेगा, जो कि क्रिप्टो टैब का लोगो है। आप उस पर क्लिक कर देंगे। आपको जैसे ही क्लिक करना है थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, इसलिए क्योंकि अभी ये ब्राउजर आपने नया नया इंस्टॉल किया है। उसके बाद दोस्तों आपको एक क्रिप्टो डैशबोर्ड बोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है, जो कि काफ़ी यूनिक दिखाई देता है। यहाँ पर आपको पूरे व्हाइट इंटरफेस में एक ब्लैक डॉट देखने को जो मिलता है। यहाँ से जब आपका ये स्टार्ट हो जाता है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है या फिर साइनअप करना होता है। दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से लॉगिन या साइनअप कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, विकिपीडिया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर मैं गूगल से अभी इसको करने वाला हूँ। जैसे मैं गूगल से करता हूँ दोस्तों, अगर आप साइन इन कर रहे हैं या फिर लॉगिन कर रहे हैं, सेम प्रोसेस है। आपको यहां पर अपना ईमेल एड्रेस डालना होता है और पासवर्ड भी डालना होता है, जिससे कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से, या फिर आप एक नए अकाउंट में साइन अप हो सकते हैं। जल्दी से मैं यहां पर ये सारी चीजें कर देता हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो रही है। यूजुअली मेरे वीडियो जो 3 से 4 मिनट के होते हैं, आज की वीडियो 5 से 5.5 मिनट की हो चुकी है, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा दी गई है, आपको अर्निंग से रिलेटेड ट्रिक बताई गई है, बिटकॉइन से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से खुल के आता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मेरा 223 सतोशी अभी भी है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम फिर से माइनिंग स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचेंगे माइनिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं माइनिंग
स्टार्ट करने का, यहाँ पर आपको एक एक्टिवेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको एक्टिवेट के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर एक कुछ छोटा सा एक पज़ल आता है, आपको उसको सॉल्व करना है ड्रैग करके। जैसे ही आप सॉल्व कर लेते हैं उस पज़ल को, तो वहाँ पर आपको डन कर देना है। उसके बाद से आपकी माइनिंग 2 घंटे के लिए स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार में ये 2 घंटे तक माइनिंग करती है, उसके बाद रुक जाती है। उसके बाद से फिर से आपको वही प्रोसेस दोहराना है, आपको ड्रैग करना है, उसके बाद आपको ये करना है। और अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम इस पैसों को निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन के बारे में बताया है, काफी सारे एप्लीकेशन के बारे में बताया है जो कि डिस्क्रिप्शन में है। तो होप करता हूं गाइस इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन द्वारा मत भूलिए। थैंक।